बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्काई वन न्यूज के साथ तस्नीम गिलानी आपका होस्ट, आपका मेजबान। कैमरा मैन अनवार भाई के साथ इस वक्त मैं गुलशन नूर में मौजूद हूँ, गुलशन नूर में मौजूद हूँ कराची के पुर आशोक माहौल और दौर में, जहां हर तरफ अफरा तफरी, बेरहमी, महंगाई, गुर्बत, परेशानी, क्राइम, स्टेट क्राइम जैसी आपको राशोक चीजें हैं यहाँ। इसमें चंद मौजूद माशरे के मौजूद लोगों ने, मौजूद हस्तियों ने जो पाकिस्तान का, कराची का और कराची के आवाम का दर्द रखते हैं, उन्होंने गुलशन नूर में एक वेलफेयर का एहतमाम किया है, जहाँ क्लिनिक्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें। आज मैं अल्लाह के करम और फजल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि हमारे कराची में एक अच्छी चीज़, अच्छा कदम होने जा रहा है। इसके सदर हैं जनाब तौहीद अहमद साहब, सीनियर नायब सदर हैं हनीफ मियो साहब, नायब सदर हैं नदीमुद्दीन साहब, मेंबर हैं इसरार अहमद खान साहब, मेंबर हैं शेख आसिफ साहब, और इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूं और तमाम मेंबरान। इसके साथ मैं और मेरा चैनल खुसूसी तौर पे मशहूर है, शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस मुसरत मौके पे हमें दावत दी जनाब राणा साहब के, हम शुक्रगुजार हैं। मैं सबसे पहले जनाब सदर तौकीर अख्तर साहब से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो कुछ अल्फाज से हम लोगों को और आवाम को नवाजा। मैं गुलशन नूर के जिम्मेदारान, दफ्तर के मेंबरान और अहलान गुलशन नूर और खासतौर पर स्काई वन और मजीद जो मीडिया से लोग यहाँ का टाइम निकालकर गुलशन नूर वेलफेयर का मौके लेने के लिए आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। मैं मौजूदा सदर हूँ गुलशन नूर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। 2017 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो मेरी बात दौड़ और अंतर मेहनत की वजह से ये इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर और आठ फिल्म आठ पीएमडी, इसके बाद जैसे भी मजीद पीएमडी का इजाफा होता रहेगा तो वो मुहैदा दे पाया। लेकिन इसके बाद फहीम खान ने एक साजिश के तहत जाली दस्तखतों के बिना पर मुझे वेलफेयर से निकाल दिया, और इसके बाद करप्शन और आवाम के पैसों का लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया। इन हालात की वजह से मैंने फहीम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जब शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये फहीम खान असल में फहीम उर्फ काला है, फहीम उर्फ काला है, जिसका लैंड ग्रेबिंग, जिसका काम है लैंड ग्रेबिंग, चोरी, डकैती, जालसाजी और भत्ताखोरी में मुलव्वस है, और जिसका रिकॉर्ड सरकारी इदारों में मौजूद है। ये सारी चीजें मुझे वजाहत करने की वजह यह है कि मुझे गुलशन नूर में और मेरी कमेटी को और अहलियान गुलशन नूर को काम करने में दुश्वारी होती है, और यहाँ के तरक्याती काम के अंदर फहीम काला और फहीम काले का गुरु जो है वो रुकावट पेश कर रहा है। इन हालात के बाद आवाम और वेलफेयर और एहतियाती कमेटी ने बहुत इसरार करने के बाद दोबारा वेलफेयर के अंदर जो है कानूनी तरीके से मुझे सदर मुंतखब किया गया, और जब बाईसवें सदर में वेलफेयर के तमाम अमूर पे अपने तमाम अमूर लिया तो फहीम काले ने मुझे कहा कि अगर आपने यहाँ पर काम करना है तो 2 लाख रुपए महाना भत्ता देना होगा, 2 लाख रुपया महाना भत्ता दोगे तो गुलशन नूर के अंदर तरक्याती काम कर सकते हो, वेलफेयर के सदर के ओहदे पे रह सकते हो, वरना जानी नुकसान का भी खतरा है, जान
खान से भी जाओगे तो मेरे इनकार करने पे फहीम खान ने गुलशन नूर की वेलफेयर के अंदर ग्रुप बना लिया, ग्रुप बंदी करके वेलफेयर के चंद मेंबरान को पैसे के लालच देके मेरे एक दरखास्त पे मेरे खिलाफ दस्तखत करवाया। इन मेंबरान में अब्दुल जलील फारूकी और शाहिना गजल, बाबा जहीर इसके साथ करप्शन में शामिल है, जिसके हमारे पास मौजूद सबूत मौजूद है। इसमें नाकामी के बाद फहीम काले ने बाहर से बदमाशों का लाने का सिलसिला शुरू कर दिया। उसकी मेन वजह यह है कि जो उसके बदले का मुतालबा था वो मुतालबा पूरा हो सका। बदमाशों को लाने के बाद मेरे खिलाफ बाल चेकिंग करना, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना का सिलसिला शुरू किया फहीम काले ने, जिसका तमाम सबूत मेरे पास मौजूद है। और मैं फहीम काले और इसके ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं और कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहा हूं। लेकिन मैं और मेरे अराकीन और मेंबरान और अहलियाने गुलशन-ए-नूर की वेलफेयर का पैसा दिल मुराद जो कि सरजानी टाउन के अंदर टोटल पेट्रोल पंप के बराबर में गवर्नमेंट की जमीन है, नजीर टाउन मलिक में फहीम काले की किसी भी सरकारी जमीन पे कब्जे के मद में गुलशन-ए-नूर का पैसा मजीद इस्तेमाल नहीं होगा। हम कानून के दायरे में रहते हुए मैं और मेरे मेंबरान और अहलियाने गुलशन-ए-नूर मिला के बी सी के अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। और आज हम वेलफेयर के उन मेंबरान को जो किसी भी दबाव से की वजह कराकर फहीम काले के नाजायज साथ दे रहे हैं, इनको खुदाया खुदा का वास्ता देता हूं, उनको गुलशन-ए-नूर की आवाम की खिदमत करने के लिए बिला खौफ हमारे साथ शामिल होके गुलशन-ए-नूर की आवाम की खिदमत करें। क्योंकि जब गुज़िश्ता सिर्फ डेढ़ माह हुआ है मुझे सदर के सीट पर मुंतखब हुए हैं और जब मैंने ये निजामत संभाला तो 24 आवर्स सिक्योरिटी सिस्टम गुलशन-ए-नूर के अंदर कायम किया। गुलशन-ए-नूर की वेलफेयर के जानिब से हम लोगों ने 24 घंटा एम्बुलेंस की सर्विस शुरू की। उसके बाद झाड़ियों की सफाई ट्रैक्टर के जरिए, सेवरेज का निजाम पिछले दिनों बारिश की वजह से जो मुतासिर हुआ था, हद तक के इतने हम परेशान हो गए थे कि हमें सेवरेज की लाइनें चेंज करानी पड़ेंगी, मगर सेवरेज की यहाँ के गुलशन-ए-नूर के जिम्मेदारान और मेंबरान ने पूरी गुलशन-ए-नूर की सेवरेज की लाइनें क्लियर करा दी और अल्हम्दुलिल्लाह सेवरेज का निजाम पाए तकमील में अब तक सही पहुंच गया। फहीम काले ने 2 साल के अंदर, देखिए 1.5 माह के अंदर हमारी कमेटी ने इतना काम किया, सही है ना। आगे डिस्पेंसरी के दफ्तर का इफ्तिताह करने के लिए जो हमने दावत दिया है और जो हमें रुकावटें पैदा करनी हो रही हैं फहीम काले और उसके ग्रुप की वजह का, डिस्पेंसरी का दफ्तर कायम कर रहे हैं और श्री सदन गैस कंपनी के ठेकेदार से हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं और गैस का बहुत जल्द में काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं खुदा का रास्ता देके गुलशन-ए-नूर की आवाम पे रहम करो, काम करने दो और काम करने दो। मैं आला काम से अपील करता हूं कि फहीम काला और इसके ग्रुप के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और गुलशन-ए-नूर की आवाम को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। और गुलशन-ए-नूर की आवाम को यह खुशखबरी देता हूं कि बहुत जल्द गैस का काम स्टार्ट हो जाएगा और डिस्पेंसरी का 1 दिन के अंदर जो है उसकी ओपनिंग हो जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी बात। गुलशन-ए-नूर के लोगों, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बेशक अल्लाह कहता है अपनी किताब में कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही उनके अमाल होते हैं और वैसे ही उनके दरमियान हुक्मरान और कर्ता धर्ता होते हैं। तो यकीनन आप इस वेलफेयर के अच्छे लोग, टॉकली भाई जैसे लोग और इनके साथ कैबिनेट के लोग जो यहाँ मौजूद हैं,
नदीम साहब हैं, हनीफ साहब हैं, इसरार साहब हैं, शेख आसिफ साहब हैं और यकीनन इनके साथ पूरी कैबिनेट है। आप सब बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं अपने चैनल के तवसुस से अपने सीईओ जनाब आमिर हमीद अब्बासी साहब, मैं खुद डायरेक्टर ऑपरेशन जिसका एवन न्यूज तस्लीम गिलानी, हर उस फर्द को या अफराद को ये तंबीह करता हूं कि आप खुदारा इनके रास्ते में के नेक मकसद में ना आए। सिर्फ ये नहीं, मेरा पूरा चैनल, मेरा पूरा इदारा इनके सना बशना खड़ा है। इनके हर कानूनी कार्रवाई में मैं खुद, मेरी पूरी टीम बांदा से नफीस इनके साथ खड़ी होगी और इंशाल्लाह हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अच्छे कामों में रुकावट करेंगे तो मेरा चैनल, मेरा इदारा, मेरा सीओ, मैं और मेरी पूरी टीम आपके खिलाफ इनके साथ सीसा फिलाएगी, दीवार की तरह खड़ी होगी। अब मैं दावत खिताब देता हूं सीनियर नाइट सदर जनाब अनिल मियो साहब को, नदीमुद्दीन साहब को, कि नदीमुद्दीन साहब आए और अपने ख्याल का इजहार करें। नदीमुद्दीन साहब जनाब, बात यह है कि ये गरीब इलाका है, मसाइल बहुत है, मसाइल का, लेकिन अगर कोई शख्स उन मसाइल पर डाका डालेगा तो हम भी उनके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि हम भी यहाँ के रहिशी हैं। गुज़िश्ता 10 साल से चोर, डाकू, स्नेचर, सांप, बिच्छू, हर चीज़ की परेशानी झेल रहे थे। लाइट का प्रॉब्लम था, कोई मसला खराब था। हमारा तुकी रखकर साहब ने 2017 में जब जनरल सेक्रेटरी से गैलेटी से एग्रीमेंट किया, उसकी भी आपका काम नहीं हुआ, फिर लोगों को मिस यूज करके तुकी रखकर साहब को फायरिंग किया गया, लेकिन उसके बाद काम नहीं हुआ। अब 2017 से लेके 2020 आ गया, इसमें 600 मीटर मैंने 1x1 करके एप्लीकेशन लेके गया हूँ गैलेटी के दायरे में, मीटर लगवाए उसका भी मुझे खता हुआ और जिम्मेदार करा दिया जा रहा है कि आपने काम कैसे कर दिया, क्यों मीटर लगवा दिए। तो भाई हम यहाँ पर अगर बेहतर आपस लेके बैठे हैं क्योंकि गवर्नमेंट से रेगुलाइज है और वो काम कर रहा है, उसको रोकने वाले को कोई भी इंशाल्लाह जो है ना वो कामयाब नहीं होगा। अच्छा, 8 रमजानों में मुझे बाकायदा थ्रेड की गई, कई मकान ने खुद कहा कि आप या घर चले जाए या छुट्टी ले लें वरना आपके खिलाफ FIR होगी, आपका सर फटेगा और झगड़ा होगा। बारह मैंने कहा भाई मैं इलाके में रहता हूँ, मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता और काम करना है। और अलहमदिल्ला सुबह अलहमदिल्ला जब 1.5 माह कबल तुर्की रखकर साहब आवाम के इसरार पर और कुछ मेम्बरान के में बहुत अलग तरह से होता है कि तुर्की रखकर साहब सदर आ गए, तो तुर्की रखकर साहब चार संभाला तो फहीम खान जो है वो ही सूरत इनको तस्लीम करने पर राजी नहीं है कि सदर रहेंगे, क्योंकि उसकी करप्शन बंद हो जाएगी और यहाँ के गरीब आवाम का पैसा वो बाहर जो जारी प्लाट की कटिंग कर रहा है उनका लगाएगा। उसने बाहर से बदमाशाने शुरू कर दिए जिनके सबूत, वाले सबूत पुलिस के पास मौजूद है, वाल चेकिंग कर रहा है, पुलिस वाले रिमूव कर रहे हैं उसको। मैं आपको दूंगा वो वीडियो भी और उनके फोटोग्राफ भी। पर विपिन लगभग भाई ये है कि ये गरीब आवाम जो खड़ी है ये किसी के रेमो पर नहीं छोड़ सकते। बाहर से अगर कोई बदमाश आता है तो अल्लाह हमारे साथ है, तुम बदमाशों के साथ रखो, हमारे साथ अल्लाह है। अब इंशाल्लाह गैस के काम की तरफ जा रहे हैं, डिस्पेंसरी जो जरूरत है क्योंकि इलाके में जो बीमार पड़ते हैं आज करीब कोई डॉक्टर नहीं है तो उसका भी इंतजाम कर रहे हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। आप लोगों का शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत अच्छा। नदीम भाई आपको, तौफीक भाई आपको और आपकी तमाम कैबिनेट और टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, सलाम। आप लोगों के काम को, आपकी हिम्मत के लिए हम दुआगो हैं, आपके साथ हम शाना बशाना करें। कभी भी हमारी जरूरत हो एक कॉल पे इंशाल्लाह हम 10 से 15 मिनट के बाद में आपके पास मौजूद होंगे। मैं खुद भी आप ही के इलाके का रहने वाला हूँ, कहीं दूर का नहीं हूँ। और ये इनसे 25 लाख रुपये करप्शन किया,
चालीस आइटम थी कई मुकाम में, इनको एक सिर्फ एग्रीमेंट के ऊपर कितने पैसे दिया? 8 लाख रुपए लिए। कितना टाइम हो गया? एक साल हो गया। 8 लाख लिए सिर्फ एग्रीमेंट, जब कोई फाइल नहीं थी। इनसे 25 लाख दिया, 40 फाइलें थी और 25 लाख लेके कितने वापस किया? तो 15 वापस किया, 10 लाख अभी तक इधर है आपका। आपको मिलाता हूँ, आप तो देखें और सुने कि ये दरिंदा सिफत इंसान जो फहीम के नाम से जाना पहचाना जाता है, फहीम साहब खुदा आप अपने नाम के माने को समझें और करेक्शन से इन चीजों से दूर रहे। अल्लाह की रफी, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, जब वो पड़ती है तो इंसान की मुंह से चीज भी नहीं निकलती। आज मैं आपको पहले मुतासिर से मिलवाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? सलमान भाई। आपके साथ ये इसने फहीम ने क्या करेक्शन किया है? नहीं, मेरे को मतलब एक प्लॉट चाहिए था यहाँ पे, जो कि मैंने बताया मुझे प्लॉट लगा दूँ, तो मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने इनके साथ मुझे भेजा, तो मैंने इनके पे भरोसा करा कि मेरे जनरल सेक्रेटरी भी है और काम सही होगा, तो इन्होंने मेरे को बोला आप इतना इन्वेस्टमेंट करो और मैं आपको पहले दूँगा जो भी प्रॉफिट में होगा हमारा अदा करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने मेरे 25 लाख रुपये ले लिया और कुछ दिन पहले जो के वो चाली। फिर मैं यहाँ पे आया तो मैंने मालूम किया तो पता चला ये 40 तो उस दौरान में इन्होंने मुझे 10 लाख रुपये दे दिया, 10 लाख रुपये ले लिया और 10 लाख रुपये मेरा बाकी है, क्योंकि ये मेरा फूके उठाना छोड़ दिया है, मेरे से मिलना भी छोड़ दिया है, मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने आगे वेलफेयर में एक एप्लीकेशन की, क्योंकि मैंने वो अभी वेलफेयर में एप्लीकेशन की और उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ और उसके बाद। क्या नाम क्या था? मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, हमारी स्काई बन के अंदर एक इदारा है हेल्पलाइन, जिसका मैं खुद देखता हूँ करता हूँ, हेल्पलाइन चार्ट। अगर आप मुनासिब समझें और आपके वेलफेयर के लोग और आपके सदस्य, तो एक दरखास्त आप हमारे यहाँ भी दें, फिर हम खुद सही को देखते हैं कि इसके मुँह में कितने दाग हैं। ये सलमान भाई ने वेलफेयर को दरखास्त दी है। नाजरीन ये देख सकते हैं, ये सलमान भाई की दरखास्त इस वक्त मेरे हाथों में मौजूद है जो इन्होंने वेलफेयर को दी है, और ये जाली फाइल की फोटोकॉपी है। ये जाली फाइल की फोटोकॉपी भी है, ये फाइल है और ये उनके खिलाफ दरखास्त है। ये तीनों जाली फाइल है, इसमें गुलशन ए नूर फेज 3 का फाइल कवर इस्तेमाल किया है फहीम खान ने, और फहीम खान ने ऐसे कई गबन जो लोग हिम्मत नहीं करते हैं उसके खिलाफ, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक लैंड ग्रेबर दहशतगर्द है, तो दरख्वास्त देना गवारा नहीं करते, तो ये भाई ने हिम्मत करके ये दरख्वास्त दी है। ये तीनों फाइलें जाली हैं, पूरी कमेटी ने चेक कर लिया और अपना बट हमने अपने गुलशन ए नूर वेलफेयर के जो कानूनी मशहूर है मुशीर है, उनके पास भी ये दरख्वास्त दे दी है, उन्होंने फहीम को शोकास नोटिस दिया है इसके खिलाफ, जिसका उसने जवाब नहीं दिया है और उसको जो है फहीम को काम से रोक दिया गया है। तो इस तरह के वो जनरल सेक्रेटरी का बहुत नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों के साथ जो है ना करप्शन कर रहा है। तो आप जाते वक्त हमारे अलीजा हैं मैडम, इनसे मिलिएगा, ये आपको सही तरीका समझा देंगे, फिर हम देखते हैं कि ये कितने बड़े बदमाश हैं और इनके मुंह में कितनी दाग है। अब मैं आपको नागरी इनके डरते हुए दूसरे भाई हैं रुखार साहब, गौहर भाई कराची, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ और ये आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या आंदोलन के बल पर इन्होंने किया है। जी भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार साहब, आपके साथ भाई इन्होंने क्या किया है? मेरे साथ ये किया है, एक सेलिब्रेट किया है 1380 नंबर के विभाग का, और उन्होंने मुझे एस्टिमेट करके दे दिया है उसकी फाइल में, और इसके साथ एक बंदा था लाला हाजी, दोनों मिलकर फाइल रखने, और एक थैला का चेक है, एक असिस्टेंट का अल्ताफ भाई उनका भी चेक है, वो भी पैसे मुझे नहीं है। आपके लिए भी मेरी यही है कि अगर आपके वेलफेयर बारे मुनासिब समझते हैं तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलीजा मैडम से मिलें, ये आपको हमारा एड्रेस वगैरह और समान तरीके का समझाएंगी। जो वेलफेयर फाइल कर रही है आपके साथ, हम भी वेलफेयर के साथ शाना बशाना करें और ये दरिंदे फहीम को देखते हैं कि ये कितना बड़ा ताकतवर है। अब आपको मैं तीसरे मुतासिब से मिलाता हूँ, आ जाए आप इधर, आप देखें और खुद
फरियादियों की जुबान से सुने ताकि आपको एहसास हो कि इस कराची शहर में क्या क्या हो रहा है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर। यासिर, आपके साथ फरियों ने क्या किया है? मैंने उसको फाइट के लिए पैसे दिए थे और फाइट के लिए पैसे दिए थे मैंने जी, और उसने अगर एक साल हो गया अभी तक मेरे को फाइट बना के नहीं दिए। तो 25,000 रुपये मेरे से पहले ले लिए उसने, अभी तक नहीं लिया। 25,000 रुपये ले लिया। आपने देखा है, ये तो ये वो तीन है जो इस वक्त आज वर्किंग डे है, इस वक्त वेलफेयर के लोगों की वजह से आगे हैं। गुलशन नूर के अंदर फहीम खान ने जो है अपने जनरल सेक्रेटरी के होने का नाजायज फायदा उठाते हुए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन KMC के मद में लीज कराने के मद में कम से कम 80 लाख रुपए जो है का करप्शन किया हुआ है। 80 लाख रुपए का करप्शन किया हुआ है और लोगों की लीज की फाइलें अब तक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन KMC के डिपार्टमेंट को नहीं पहुंची है और ना वहाँ उनके लीज होने के लिए डॉक्यूमेंट्स या पे आना कोई चीज। वकील साहब, मैं आपके लिए भी करता हूँ अर्ज है मेरी कि आप इसकी जो भी करेक्शन है एक दरखास्त की सूरत में लिखें स्थाई रेवेन्यू हेल्पलाइन इंचार्ज तस्नीम गिलानी और तमाम जो सबूत और बलूत के साथ आप हमारे यहाँ इदारे में जमा कराएं। मैं भी आपके साथ, हमारे इदारा भी आपके साथ फाइट करेगा। ये तो वो चंद लोग हैं जो फहीम के डसे में हैं। नाजरीन, गाये बगाहे रफ्ता रफ्ता मैं आपको फहीम की कारनामे और भी आपके सामने लाऊंगा, इसके काले करतूतों का पर्दाचाक करूंगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम माशरे का नासूर, इसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की कथा आपको दिखाई जाएगी और इंशाल्लाह ये फहीम दरिंदा से बद इंसान की और भी काले करतूत आपको इसमें गाये बगाये में आपको दिखाता रहूंगा। नाजरीन, किसी भी माशरे में हम मर्दों के साथ हमारी माँ और बहनों का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी चीज को उठाने में और गिराने में। तो इस वक्त इस वेलफेयर के हवाले से मैं अपनी माँ और बहनों से भी जानना चाहूंगा कि उनकी क्या राय है वेलफेयर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बहन आपका? आप क्या कहती हैं वेलफेयर के हवाले से और यहाँ के जो वेलफेयर के लोग हैं उनके हवाले से? हमारी वेलफेयर जो है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है। जो कई मजे थे वो अच्छा काम नहीं करते, अच्छा भी रहता था। हम तो गरीब लोग हैं तो इंसान को इंसान के साथ चलना चाहिए, मिलजुल के। ये नहीं है वो सोचता है उसने उनका मतलब कहीं कर रहे हैं के साथ। आपने देखा कि फहीम ने लूटा कटौती की है गरीब आवाम के साथ, हर कोई गरीब आवाम फहीम का रोना रो रही है। फहीम साहब सदारा मजलूम आवाम की आवाज को नकारे खुदा समझिए और इबरत पकड़िए, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुदरत आपको इबरत बना दे। एक ही हमारी बहन यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे मिलवाता हूँ आपको। सलाम सलाम आपका बहन, आप क्या कहती हैं सबरा बहन वेलफेयर के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी है। देखा काम, ये गरीब आवाम की हमारी माएं बहने ये भी इनसे मुतमईन है। आए आप हमारे माशरे के एक और सतून, अहम सतून नौजवान वो भी रह गए, मैं उनकी भी आपको बातें उनकी भी आपको प्राइस करवाता हूँ। जरा आप लोग आगे आ जाए, चंद आगे आ जाइए। ये हमारे भाई नौजवान गुलशन नूर की रीढ़ की हड्डी की ऐसे करते हैं। आप क्या कहते हैं वेलफेयर के लोगों के बारे में? भाई अगर तो बहुत खुश है और दिन रात से हमने सेक्रेटरी की कॉल की रही है और माशाल्लाह जी बहुत ही पहले हमने अपनी फैमिली को दुनिया से बचाया है, उनकी तरफ से भी हमारे को बहुत मुबारकबाद दी गई और बहुत शुक्रिया अदा किया गया सिक्योरिटी के हवाले से। और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर जो मसाइल है तो बहुत जल्द काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। देखा आपने सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब मैं अपने कुलीग अपने भाई राणा साहब को दो बात करने के लिए सहमत देना चाहता हूँ। राणा साहब,
हमारे मुस्लिम हमारे भाई हमारे साथी हमारे चैनल पर उठे आज उन्हीं की मोहब्बत में हम यहाँ मौजूद है। नाना साहब आप क्या कहते हैं बच्चे और यहाँ के कमेटी के बारे में? देख सकते हैं कि गुलशन-ए-नूर की आवाम इस वक्त चौक पर मौजूद है, प्ले कार्ड उठाए हुए हैं अपने मसले मसाइल के बारे में। कहीं लिखा है फहीम काला बाहर के गुंडे लाने बंद करो, कहीं तौफीर अख्तर तुझे सलाम है, कहीं भट्टाखोरी नहीं चलेगी, फहीम काला भट्टाखोर बाहर के गुंडे लाता है फहीम काला, तौफीर अख्तर जिंदाबाद, शुक्रिया 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 तौफीर अख्तर शुक्रिया। यकीनन हल्के खुदा जब किसी का नकारा बजाती है तो यकीनन उसके अंदर सच्चाई खुलूस मोहब्बत इंसानियत होती है। इसीलिए आज आवाम फहीम काले के खिलाफ खड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे चंद सौ साल पहले आज फहीम काले का शुमार भी यजीदियत में ही होता है। मैं आपके सामने तौफीक साहब का मौकिफ लेता हूँ कि तौफीक साहब क्या कहना कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमको बताएं फहीम काले के बारे में और आपने रिकॉर्डिंग तमाम गुलशन-ए-नूर के और जिम्मेदारान को अस्सलाम वालेकुम।
मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का जो उन्होंने गुलशन नूर की वेलफेयर का मौकफ लेने के लिए टाइम निकाला। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 महीने से जब फहीम खान के खिलाफ फहीम काले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई तो पता चला जी वो फहीम खान नहीं फहीम काला है। लैंड ग्रेबर फहीम काला भत्ते का मुतालबा करता है कि महीने का इतनी रकम दोगे तो गुलशन नूर की वेलफेयर के सदारत के सीट पर रहोगे वरना जान से भी जाओगे। बाहर से गुंडे लेकर आता है, वॉल चौकिंग करवाता है, नारेबाजी करवाता है, असला मेरे तरफ दिखाकर मुझे काम करने से रोकता है और गुलशन नूर में यहाँ पर दहशतगर्दी वाला निज़ाम कायम किया हुआ है उसने। फहीम काला यहाँ से गुलशन नूर की आवाम का पैसा निकाल कर ले जाकर दिल मुराद जो के टोटल पेट्रोल पंप नदी के बाद एक सरकारी जमीन है उस जमीन के ऊपर गुलशन नूर की गरीब आवाम का पैसा लैंड ग्रेबिंग में इस्तेमाल करता है। अपने साथ दहशतगर्द रखे हुए उसने डकैत फहीम काले के खिलाफ खुद डकैती की एफ आई आर है। 3 साल फहीम काला जेल गुजार चुका है डकैती में। फहीम काला इस वक्त मलीर के अंदर चाइना कटिंग कर रहा है, हसास इदारों के का नाम इस्तेमाल करता है। फहीम काला हम गुलशन नूर की आवाम गुलशन नूर का मैं खिदमत करता रहूंगा, मेरे साथ कमेटी के जितने लोग भी हैं वो खिदमत करते रहेंगे। तुम मुझे जान से मारो या मेरे खिलाफ वॉल चौकिंग करो या तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करो, मजीद गुलशन नूर की रकम तुम बाहर ले जाकर नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशनी खुदा करे। फहीम खान और फहीम काला और इन जैसे जितने लोग भी गुलशन नूर में इस वेलफेयर के अच्छे कामों में रुकावट बनते हैं वो कान खोल के सुन ले। मेरा स्काई वन न्यूज और मैं खुद जाकर ऑपरेशन तस्नीम गिलानी उनके खिलाफ इस वेलफेयर और उनके लोगों के साथ शीशा मिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हूँ। आइंदा आप कोई कदम उठाने से पहले सोच लीजिएगा कि स्काई वन और तस्नीम गिलानी तौकीर और गुलशन नूर के वेलफेयर के साथ शाना बशाना खड़ा है। वेलफेयर के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज बिलाल भाई भी सब मौजूद हैं। मैं बिलाल भाई का मौका देता हूँ कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मीडिया की शुक्रिया अदा करते हैं और दूसरी बात ये है कि गुलशन नूर के जो मैनेजर हैं सदर का नाम तौकीर अख्तर साहब और नायब सदर का नाम नदीम साहब और तमाम कमेटी मेम्बरान का शुक्रिया अदा करते हैं एहलियान गुलशन नूर की तरफ से कि उन्होंने सफाई सुथराई और इलाके के अंदर सिक्योरिटी निज़ाम को कायम किया और भी जो लोग यहाँ पे इदारे चला रहे हैं मोहल्ला कमेटी या गुलशन नूर मोहल्ला वेलफेयर ऑफिस के नाम से और भी दीगर जो वेलफेयर यहाँ पे काम कर रही हैं उनसे गुजारिश यही करेंगे कि आ जाएं मिलकर बैठते हैं साथ काम करते हैं गुलशन नूर की आवाम की बका के लिए फलाह बहबूद के लिए। जिस तरीके से तौकीर भाई काम कर रहे हैं, नदीम भाई काम कर रहे हैं, चाचा हनीफ काम कर रहे हैं, इसी तरीके से हम मिलकर सब साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये गुलशन नूर पुरनूर हो जाएगा। इजाजत दीजिए आपका होस्ट तस्नीम गिलानी कैमरामैन अनवार के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।